जहां तक कि चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप का सवाल उठता है, तो निश्चित रूप से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो पिछले 3 सालों में हमको देखने को नहीं मिलता है कि कहीं पर भी चाइना ने इंडिया का साथ दिया हो, या किसी भी मौके के पर चाइना जो है उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कि भारत सरकार या भारत की बात को उसने माना हो। मानसरोवर का जहां तक है तो कहां तो वो अल्टरनेटिव रूट एक दे रहे थे जो कि आसान रास्ता भी हुआ करता था, आज उन्होंने मानसरोवर की यात्रा को ही बंद कर दिया है। बंद हो गया। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सोचने विषय है जिसके ऊपर की भारत सरकार को पुनर्देखना चाहिए कि उनकी और चाइना की जो आपस की रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कहां पर जा रही है। जैसे ही सलाउद्दीन को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, वैसे ही चाइना जो है वो रिएक्ट करता है। अगर कहीं इस तरह की काम हो रहा है कि पाकिस्तान को जब जब भारत कॉर्नर करेगा तब तब चाइना जो है वो किसी ना किसी तरह से भारत के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। देखिए, हमको अपनी विदेश नीति को जब कभी भी, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इसके पर आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये काम किया गया था वो आज इररिलेवेंट है या जो आज किया जा रहा है वो आने वाले 100 साल तक ही रिलेवेंट रहेगा। निश्चित रूप से वो जो है वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। चाइना के साथ हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत जो है वो चाइना को उस तरह से अपनी विदेश नीति के द्वारा कंटेन नहीं कर पा रहा है जिस तरह से कंटेन करना चाहिए था, और ये अपने आप में एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि अब जो है वो हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सिक्किम भी उसके अंदर लेते चले आ रहे हैं। हम बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं है कि भारत सरकार और चीन के जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो रहे हैं या पहले से कहीं से बेहतर हो रहे हैं, वो गड़बड़ ही हो रहे हैं।